हेलो एवरीवन एंड हाय, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आपको मैं एक ऐसे स्टोर पर ले जाऊंगा जहां पे आपको चीप प्राइस पे बेटर क्वालिटी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है बाकी मार्केट की, बाकी रिटेल स्टोर के अलावा। आज आपको मैं ले जाऊंगा एक टूर पे, डोलोरामा के टूर पे। वैसे यहां पे जो रिटेल स्टोर है, रिटेल चेन है, वॉलमार्ट भी है, इजी बाय भी है। इजी बाय इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वॉलमार्ट आपको में आपको हर चीज़ मिलेगी, और कॉस्को में भी आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इन द बल्क में। लेकिन मैं आपको ले जाऊँगा डोलोरामा में, और आपको मैं यहाँ के प्राइसिंग दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या प्राइसिंग है, क्या प्राइस है, कितने का पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी स्टोर्स हैं ना, वो 5-6 बजे तक ही ओपन होती है, और संडे को मैक्सिमम स्टोर क्लोज ही होती है। सो चलते हैं टूर पर। ये सारे यूटेंसिल्स हैं घर की चीज़ों के लिए, या बॉटल्स हैं, किसी को कप की रिक्वायरमेंट हो, नाइफ, गैस को जलाने वाला, ये कैंडल्स हैं। आपको इन तरह के स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाते हैं, घर की हर बेसिक नीड, मैट हो, कारपेट हो, खाने की चीज़ें हो, पैक्ड फूड हो, नॉन वेज हो, वेज हो, एवरीथिंग। ये आई थिंक प्लास्टिक है, नहीं प्लास्टिक नहीं, पत्थर ही है, मिट्टी के बना हुआ है। डोलोरामा में ना मैक्सिमम चीज़ें आपको सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट, कॉस्टको या अदर, कम दाम पे मिलती है आपको। ये भाई शूज सेक्शन है, ये आपको गार्डनिंग करनी हो पेड़ पौधों के लिए, और काफ़ी कम प्राइस पे। ये $4 का है, मेटल ब्रांच हुक, ये योगा मैट की तरह है, पर योगा मैट है नहीं, ये कैप्स हैं। एंड कैप का प्राइस है इसे मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ पे आपको फूड आइटम्स मिल जाएगा, ये आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू द सूप है, $1 का। ये टोमेटो केचप है, $1। ये सब रेडीमेड फूड है। कॉफ़ी है $2.50, तो ये बना इंडियन रुपीस के हिसाब से 150 रुपये। और ये है सैलेड 1.75, तो ये 100 रुपये के 100 रुपये बना। ये रेडीमेड चाउमीन, सॉरी चाउमीन नहीं, मैगी कह सकते हो इसको, डेट्स ऑल आर चाइनीज। और ये सूप है नॉर के, डेट इज़ 1.75, तो ये 100 रुपये की 100 रुपये का बना। और नीचे ये है पॉपकॉर्न, बीफ पॉपकॉर्न। और ये है जूस सेक्शन। एक चीज़ आपको मैं कहूँगा, अगर आप डॉलर में कमाते हो तो बेटर है, तो आपके लिए सस्ता है। अगर आप रुपीस में कमाते हो एट एज एन टूरिस्ट हो, तो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये $1 में कोई भी फ्लावर्स ले लीजिए, $1 प्लस फ्लावर सेक्शन है। ये टॉयज का है, और कुछ जिम इक्विपमेंट्स भी है। प्लास्टिक बैग, नैपकिन, सब कुछ है, मिलेगा आपको हमें सब कुछ, हर चीज़ मिलेगी। अगर इंडिया के कंपैरिजन में कहूँ तो काफ़ी या थोड़ा सा महंगा है। अगर आप डॉलर में कमाते हो और कैनेडा में रहते हो, तो आपके लिए बहुत सस्ते हैं। आपकी करेंसी डॉलर से ऊपर है, डॉलर के बराबर है, तो वेल एंड गुड है। अगर कम है तो आपके लिए नुकसान है। ये प्लास्टिक टेबल्स, ये यूटेंसिल्स है, चम्मच प्लास्टिक के, शीशे के, या यूज एंड थ्रो वाले चम्मच, सारी ये नैपकिन, ये सब यूज एंड थ्रो वाले टेबल नैपकिन्स, सब कुछ है। ये बुक सेक्शन, ये सारे कप्स हैं, ये सब यूज एंड थ्रो वाली चीजें हैं, वन टाइम यूज। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर रिटेल चेन से। डोलोरामा काफी सस्ता है। डोलोरामा में एक चीज़ है, आपको जो भी चीज़ मिलेगी ना, आपको $10 से कम की मिलेगी,
क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी A1 होगी, लेकिन मैक्सिमम जो माल है वो सारा चाइनीज़ का है, सारा चाइनीज़ माल है, लेकिन जो भी प्राइस या जो भी चीज़ें मिलेगी वो $1 से $10 के बीच में होती है और बहुत सस्ता होता है। और हर एक चीज़ जितना कि मैंने नोट किया है और मैंने जो कंपेरिजन किया है कॉस्टको या बाकी चीज़ से, थोड़ा सस्ता है ये। देखिए मैक्सिमम प्राइस $10 है, तो लेते कुछ, मेरे को कुछ पसंद आता है मैं भी कुछ लेता हूँ। मेरे को स्पेशली ना शूज़ देखता हूँ, अगर कुछ लगता है मेरे हिसाब से तो आई विल डेफिनेटली बाय। बट कभी भी कनाडा आए तो डॉलरामा ज़रूर आए और यहीं से शॉपिंग करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी चॉइस है। इससे पहले जो आपने मार्केट दिखी थी वो थी डॉलरामा मार्केट, और अभी जो आपको मैं मार्केट दिखाऊंगा ये है डाउनटाउन की, लंदन के डाउनटाउन की वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेजिटेबल मार्केट। जो वेजिटेबल क्या आपको सब कुछ ही मिलता है, हर एक चीज़ आपको, सारी फैसिलिटीज़ ही मिलती हैं। प्राइस भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये शेयर करिए जो एग्जैक्टली ये कहूँ कि $2 की है। बाकी प्याज, आलू, टमाटर, और आलू भी टमाटर भी यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हैं, मतलब ये मान लो कि मेरे हिसाब से सब कुछ देसी ही है, सब कुछ देसी स्टाइल में ही है, मतलब कोई भी पेस्टिसाइड या कुछ हो नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। लेकिन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मशरूम, क्रिमिनी वाइट मशरूम, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के मशरूम्स हैं, और ये बड़े वाले प्याज, इसका नाम मुझे याद है, टॉप कैरेट, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बोल गया। और इस तरह के कुछ मार्केट है, मतलब आपको सब कुछ ही मिल जाएगा ओवरऑल, हर एक की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, जिसके अंदर कैफ़े भी और रेस्टोरेंट भी है ओवरऑल। और अगर मैं केले की बात करूँ तो केले हैं यहाँ पे $2 के 3.28 kg, मतलब 3 किलो 280 ग्राम। साथ में ऑर्गेनिक या मैपल कैचअप जो कनाडा की काफ़ी फेमस है, चटनी, हर एक चीज़, एवरीथिंग। प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन होती है, आप लीजिए और इसका बिलिंग करवाइए। और यही है इसी मार्केट की सेकंड फ्लोर जो डाउनटाउन की मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट, ऊपर साइड रेस्टोरेंट है और कुछ आर्टिफैक्ट्स भी हैं वो लेना हो तो। एक्चुअली ये मग है, ग्लास मग, और ये हनी है, हनी का प्राइस है $4.60, 2 लीटर $34 एंड 1 लीटर $20, लास्ट मॉडल पैकेज दिस वन। दैट्स द होलसम व्यू, पूरा इस मार्केट का व्यू बनाया बहुत अच्छा है। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कनाडा की, साफ सुथरा और सब कुछ सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है कुछ कई चीज़ है, सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं, समझदार है, कुछ गलती हो तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत पसंद आई है वो है, अगर किसी को हेल्थ इशू हो, मेडिकल हेल्थ इशू हो, स्पेशली उनको जिनको सांस लेने में दिक्कत है, मैं उनके लिए कहूँगा कनाडा उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, बिकॉज एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है। जब एनवायरनमेंट क्लीन है तो इजी आप साफ हवा ब्रीथ करोगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके इंटरनल सिस्टम में को इम्प्रूव करने में, स्पेशली फॉर द लंग्स। अगर ये मैं आपको दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली की जो हालत ही बुरी है, पॉल्यूशन बहुत है, लोग बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, करप्शन है, गाड़ी से पॉल्यूशन बहुत निकलता है, इंडस्ट्रियों से पॉल्यूशन बहुत निकलता है, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर्स ऐसे ही बन जाते हैं, तो ये चीज़ें होती है। जहाँ पर आपको लगता है कि जहाँ पर आप गलत है तो उसको गलत कहो, जहाँ पर आपको लगता है कि वो सही है सही कहो, गलत को गलत कहना चाहिए, सही सही कहना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मैं थोड़ा सा को टूर देना था इस यहाँ पे वन द चीपेस्ट रिटेल चेन का, स्पेशली फॉर द डॉलरामा और एंड दिस मार्केट का, वेजिटेबल मार्केट का जो लंदन डाउनटाउन में है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना,
तब तक के लिए गुड बाय एंड अ ग्रेट डे। मिलते हैं एक नई वीडियो पे विद न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।